अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद और अपनी वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। तो हम आज अपनी मुर्गी को अंडे देंगे। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मैं अपनी मुर्गी को अंडे देता हूँ और किस वाली मुर्गी को अंडे देता हूँ। तो चलो हम चलते हैं उस मुर्गी के पास जिसको हम अंडे देने हैं। तो चलो, तो ये आप देख सकते हो हमारे लैला मजनू और कालिया कितने बड़े हो चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो हमारी लैला मजनू और पीछे रहा कालिया, वो भी आप देख सकते हो। और वो चूजे जो पीछे हैं, जो हमने पिछली वीडियोस में आपने देखे थे, वो बहुत छोटे थे लेकिन आप बड़े हो चुके हैं, ये काला वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास नंगी गर्दन वाला आया था, ये देख सकते हो ये भी कितना बड़ा हो चुका है। ये मुर्गी है शायद बहुत ही मस्त। और वहाँ पे दूसरे हैं मेरे, और ये रहा मेरा मुर्गा। और कड़कनाथ का पियर अभी तैयार हो रहा है, एडल्ट हो रहा है। तो चलो हम चलते हैं पहले मुर्गी के पास, फिर हम दिखाते हैं आपको ये सारे। ये वाली मुर्गी आप इसको पहचान गए होंगे, क्योंकि कालिया जो था हमारा, वो इस वाली मुर्गी ने निकाला था। और इसको अब हमने और अंडे दिए हैं, अब इसके भी बच्चे आ रहे हैं। वो वीडियो में अलग से अपलोड करूंगा, क्योंकि एक दो दिन में इसके बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो चलो हम उस वाली मुर्गी के पास चलते हैं जिसको हमने अब अंडे देने हैं। तो चलो हम चलते हैं। तो ये रही हमारी व्हाइट वाली मुर्गी जिसको अब हमें अंडे देने हैं। ये व्हाइट वाली मुर्गी को आप जानते ही होंगे, इसने पिछली बार कड़कनाथ और उल्टे बच्चे दो निकाले थे, लेकिन वो दो मर गए। और जो ब्लैक नी बाहर मैंने आपको दिखाया था चूजा, वो इसी का है। लेकिन अब ये और कुरक हुई है, इसको हम देंगे अब अंडे। तो चलो हम अंडे लाते हैं और जगह इसके लिए बनाते हैं, फिर अंडे देते हैं हम इसको। तो यहाँ पे मैंने ये जगह बनाई, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बनाई मैंने अंदर। यहाँ पे ईंटे रखे और भूसा नीचे से, ऊपर से अंडे रखे, 9 अंडे मैंने यहाँ पे रखे। अब मुर्गी को लाते हैं और बिठाते हैं इस पे, इंशाल्लाह वो बैठ जाएगी, इंशाल्लाह इनमें से अच्छे बच्चे निकलेंगे। ये देखे आप, आवाज देखे आप, ये वाला चूजा इसका था पहले वाला, ये अभी भी आता है इसके पास बैठने। अब इसको हम यहाँ से उठाते हैं और उनके पास ले जाते हैं। यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं हम कि ये बैठती है या नहीं। अब इसने अंडे नहीं देखे, तो हम यहाँ से देते हैं। ये अंडे देखेगी और बैठ जाएगी वहाँ पे इंशाल्लाह। ये देख सकते हो आप, इसने अंडे देख लिए, अब ये जल्दी से बैठ जाएगी इन पे। तो ये अभी डर रही है, हम आते हैं थोड़ी देर के बाद, यहाँ पे दरवाज़ा बंद करते हैं इसका, इंशाल्लाह ये बैठ जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं कुछ टाइम के बाद आया हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, अब मैं देखूंगा कि मुर्गी बैठी है या नहीं। तो माशाल्लाह ये देख सकते हो आप मुर्गी कैसे बैठी है अंडों पर, इंशाल्लाह इनमें से अब बच्चे निकलेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ये देखिए आप, मुर्गी बैठ चुकी है अंडों पे इंशाल्लाह। तो दिखाता हूँ मैं आगे अपडेट इसकी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे लैला मजनू और कालिया कहाँ पे है, और बाकी कड़कनाथ मुर्गा। ये रही हमारी काली वाली मुर्गी और ये रही हमारी बड़ी वाली मुर्गी। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।